हेलो जी, क्या हाल है सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम इंस्टाग्राम पर पूछे सवालों का जवाब दे रहे हैं, जो कि आपने वैसे नीचे देख ही ली है। एंड बट एनी वे, आंसर करते हो। आंसर करने से पहले, अगर आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं मंडे टू फ्राइडे एक बार दिन में ज़रूर लाइव भी होता हूँ। और लाइव भी आप मुझे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वहाँ पर मुझे डेली पूछ सकते हैं। और कोई भी अपडेट होती है रिगार्डिंग एनी कॉलेज ओपनिंग या फिर डेडलाइन या फिर फंड डेडलाइन, वहाँ पर हम पोस्ट करते रहते हैं, तो वी विल बी वेरी यू नो अपडेटेड ज़्यादा जल्दी से, क्योंकि यूट्यूब पे मैं ऑनेस्टली बहुत दिन हो गए मैं कमेंट कर रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ किसी के भी। एनी वेज, फर्स्ट क्वेश्चन है जी अमन कालरा जी का कि सर आफ्टर ट्वेल्थ मेडिकल जर्नल आर्ट एंड साइंस कोर्स ले सकते हैं। हाँ जी सर, ले सकते हो, लेने वाली तो कोई गल नहीं है कि, बट एक बार अपने कोर सब्जेक्ट जरूर चेक करो कि वो एकदम जड़े जड़े सब्जेक्ट्स पढ़ने ने वो अकॉर्डिंग सारे अबव 55 या फिर अबव 60 नंबर है कि नहीं। एंड जो नहीं है तो वो अकॉर्डिंग अपना कोर्स चूज कर लो। वैसे मोस्टली आई प्रेफर किसी ने मेडिकल की हो तो यू शुड गो फॉर एनी थिंग मच मोर रिलेटेड टू मेडिकल। ऑब्वियसली ये भी रिलेटेड है, बेसिक प्रोग्राम लीडिंग टू अ डिग्री प्रोग्राम फर्दर, इट इज़ ऑल्सो गुड। बट अगर आप थोड़ा टेक्निकल जाएंगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि मोस्टली लोगों का गोल होता है ना, आप जाना चाहते हो जाके आपको जॉब करना, फिर आपको पीआर। इफ़ यू आर इन दैट रेस देन आई वुड प्रेफर मेडिकल स्टूडेंट्स गो फॉर एनी टेक्निकल स्किल बेस्ड प्रोग्राम, विच वुड बी मच बेटर टू यू इफ़ यू आर मीटिंग दैट। देखो, इसका मतलब ये नहीं होता मैंने पीआर का कह दिया तो सभी स्किल बेस में चल जाओ। यू हैव टू चेक इज़ योर प्रोफाइल कंपैटिबल टू इट, इफ इट इज़ गो अहेड। अगर नहीं है तो देन चूज़ अ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। सिर्फ इसमें पीआर हो जाती है, इसमें जल्दी पीआर हो जाती है, इसमें कुछ चल रहा है प्रॉमिस में, उस लालच में ना जाओ। अगर आपकी प्रोफाइल मीट करी देन गो अहेड, अगर नहीं कर रहे तो ना किया करो, आपको ही नुकसान होगा, वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, फिर आप भी बाद में परेशान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दत्तेश जी का, जीपी वाला दत्तेश जीपी। हाँ जी, तो उनका है कि गॉट टू रिजेक्शन इन नॉन एजेस बट गॉट 7 बैंस नाउ एंड ऑल्सो पेड 1 ईयर फीस एंड ऑल्सो जेनी DLI। ठीक है जी, वैसे ये सभी चीज़ें ठीक है आपने बता दी दत्तेश जी, बट इट डजेंट मैटर टू बी ऑनेस्ट कि आपने नॉन एजेस में अप्लाई किया था इसलिए आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अकबर रिफ्यूजल के रीज़न पहले क्यों था, आपका कोर्स रेलिवेंट नहीं था, आप अकेडमिकली वीक थे, आप आईएस की तरफ से वीक थे एज पर द प्रोफाइल, या फिर आपकी एस ओ पी अच्छी नहीं लिखी हुई थी। एनी वेज, जो भी आपका प्रीवियस रिफ्यूजल का रीज़न है उसको अंडरस्टैंड करें फिर अप्लाई करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इवन लास्ट वीक ही आए थे, आई थिंक मैंने एक वीडियो में पहले बताया भी था इसमें पिछली वाली में, जैसे वो बच्चे का पहले रिफ्यूज़ल आया था, फिर उसने अपने आइल्स इंप्रूव की, 6 ईच हो गए, फिर अप्लाई किया और फिर रिफ्यूज़ हो गया, फिर वो रह गया रे यहाँ सब क्यों हो गया, पहले तो मेरा शायद एक में 5.5 था इसलिए रिफ्यूज़ हो रहा था, अब क्यों हो गया, बट कि एक्चुअली उसकी फॉर्म में मिस्टेक थी। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अपनी पहली रिफ्यूज़ल रीज़न को अच्छे से समझो, देन यू वोंट बी कन्फ्यूज इन बिटवीन कि मेरा नॉन एज इसकी वजह से हुआ किस वजह से हुआ। एंड एनी वेज, अगर आपने अब अपना DLI चेंज किया और आप पूछना चाहते हो कि अब आपकी वीज़ा चांसेस क्या रहेंगे, तो अगर आपका पोस्ट रेलिवेंट है, आपकी एस ओ पी अच्छी है, जैसे आपका रिफ्यूज़ल आया हुआ है, तो आप अपने रिफ्यूज़ल रीज़न को अच्छे से कवर कर रहे हो, आपकी फाइलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, एंड आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी है, आपको कुछ हेल्पफुल लगी है, तो अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।